हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं? शायद अच्छे होंगे आप लोग। इस टाइम पे मैं हूँ जबलपुर भेड़ाघाट, जो कि मैं इस टाइम पे आया हुआ था। काफ़ी दिनों पहले मेरा आना हुआ है ना। तो चलिए ठीक है, बाकी बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, नज़ारे के साथ बने रहिएगा। बाकी इस टाइम मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। चलिए चलते हैं। इस टाइम पर हम लोग आ गए हैं नौका विहार के प्रवेश द्वार पे। बाकी हम लोग यहाँ का नज़ारा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। इससे पहले हम लोग मछलियों के लिए लेने वाले हैं दाना। फाइनली अम्मा जी यहाँ पे दाना तो पैक कर चुके हैं। बाकी और भी नज़ारे आप लोग दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे संगमरमर और बाकी सारी चीज़ों की यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो शायद आप लोगों को पता होगा। इससे पहले आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि भेड़ाघाट कौन कौन आया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है। शायद आप लोग आए होंगे, नहीं आए होंगे, बट मैं इस टाइम पर आया हुआ हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर करता चलूँ। तो बाकी चलते हैं और भी नज़ारे के लिए। फाइनल दोस्तों, गर्मी तो काफ़ी तेज़ है, मौसम तो बना हुआ है पानी आने का, फिर भी पानी नहीं आ रहा है, पर गर्मी काफ़ी तेज़ है। फिलहाल दोस्तों हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, और ये देखते हैं सर्दियाँ लगी हुई है ना। तो बाकी ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। फाइनल दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नीचे की ओर, और ये यहाँ का नज़ारा देखिएगा, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है। फिलहाल यहाँ पे भीड़ तो नहीं है, क्योंकि बारिश का टाइम है, तो लोगों का आना जाना काफ़ी कम है। और ये देख सकते हैं संगमरमर की जो चट्टाने हैं, वो नज़ारे पे आप लोग देख रहे होंगे। शायद आप लोगों को पता होगा, एक शायद कुछ दिनों पहले शायद कुछ यहाँ पे एक मूवी बना हुआ था, वो यहीं का नज़ारा था। बाकी मुझे नाम तो ये मालूम नहीं, पर कमेंट के साथ आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन सा मूवी है जिसका नज़ारा इसी जगह से सीन का ताल्लुकात है ना। तो बाकी ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। और काफ़ी सुहावना मौसम भी है, हल्का हल्का बादल जो है, पर गर्मी काफ़ी तेज़ है ना। तो बाकी थोड़ा सा नज़ारा और लेते हैं, इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। इस टाइम पे दोस्तों हम लोग आने लगे हैं रिटर्न, क्योंकि अब हम लोगों को निकलना है ना, क्योंकि मौसम बदल रहा है और हमें घर भी निकलना है। तो इससे पहले और भी नज़ारे रास्ते के साथ मिलते हैं, है ना। फाइनली हम लोग आने लगे हैं बाहर, और बाहर का नज़ारा यूं ही दिखाते हैं। फाइनल दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बाहर, और ये है बाहर का नज़ारा। बाकी अब चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि फाइनली बाइक हमारा आ जाता है, इसके बाद हम लोग निकलते हैं रास्ते के नज़ारे के साथ। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और मिलते हैं आगे, क्योंकि इसके बाद पड़ने वाला है धुआंधार, तो कुछ नज़ारे के साथ आप लोगों में जरूर। फाइनल दोस्तों ये है धुआंधार का नज़ारा, क्योंकि यहाँ हम लोग आ गए हैं धुआंधार, है ना। तो अब लोग चलते हैं अंदर की ओर, और सबसे पहले पार्किंग पे लगाने वाले हैं बाइक। पार्किंग लगाने के बाद हम लोग आगे के नज़ारे के लिए ज़रूर चलेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग पार्किंग पे ले जाते हैं बाइक को, और इसके बाद मिलते हैं और भी नज़ारे के साथ। बाकी यहाँ का नज़ारा ज़रूर देखिएगा, और ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। सारी गाड़ियाँ देख सकते हैं पार्किंग पर लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर अच्छा नज़ारा है। बाकी और भी नज़ारे के साथ मिलते हैं आगे, नज़ारे के साथ ज़रूर बनिएगा। और आज कौन कौन आया है भेड़ाघाट धुआंधार, कौन कौन घूमा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। बाकी थोड़ा थोड़ा नज़ारा दिखाता ही रहता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि
थोड़े थोड़े नज़ारे के लिए आप लोग जरूर बने रहेंगे, है ना। तो बाकी मिलते हैं और भी नज़ारे के साथ। और इस टाइम पे हम लोग चलते हैं आगे के नज़ारे के लिए, और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी दुकानें हैं जो कि इस टाइम पे बंद है या कुछ चालू है, क्योंकि लोगों का आना जाना अभी फ़िलहाल कम है, बारिश का टाइम है शायद, और भी टाइम पे यहाँ पे लोगों का भीड़ लगा रहता है ना। तो ब्लॉग के साथ बने रहिए और कुछ बातें के साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना, और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। फाइनल दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अंतिम छोर से, और ये पड़ाव यहीं तक रहेगा, है ना। और भी यहाँ का जो दृश्य है अब देखने को आप लोगों को जरूर मिलेगा। बाकी और भी नज़ारे के लिए चलते हैं आप लोगों को। फाइनल दोस्तों हम लोग आ गए हैं नए नज़ारे के साथ, और ये है धुआंधार का नज़ारा, शायद आप लोग देख रहे होंगे। और इस टाइम पे शायद यहाँ पे भीड़ नहीं है, आप लोगों को पता है बारिश का महीना है, और बारिश के टाइम पे लोगों का आना जाना कम होता है। बाकी बहुत ही अच्छा नज़ारा है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ पे भी कुछ मज़ा नहीं आता, है ना। बाकी ठीक है, और भी नज़ारे के साथ बने रहिए। और फिलहाल ये देख सकते हैं जो जगह है, ये देख सकते हैं ये एरिया, यहाँ पे एंगल लगा होता है जो कि अभी बारिश के टाइम पे निकाल दिए हैं, फिर भी काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर भी एक परेशानी है, गर्मी काफ़ी तेज़ है ना। तो बाकी ठीक है, और भी नज़ारे के साथ मिलते हैं नए नज़ारे के साथ। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये जो सामने दिख रहा है ना, उड़न घटोला, शायद आप लोगों को पता हो इसका ही, है ना। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आज कौन कौन आए हैं यहाँ पे, और इससे पहले कौन कौन आए हैं आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और शायद जबलपुर में जो भी रहते हैं वो तो हमेशा आते ही रहते हैं, पर हम लोगों का आना यहाँ पे कभी कभी होता है। बाकी बहुत ही अच्छा है, और भी नज़ारे के साथ मिलते हैं। और बस आप लोगों से एक ही हमेशा चाहता हूँ कि सपोर्ट कीजिए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी नज़ारे पर बने रहिए।
आप लोग दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि मेरे हाथों में क्या है, और शायद आप लोग जानते होंगे, है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और खाने में बहुत टेस्टी है। तो फाइनली हम लोग निकलने लग गए हैं घर के लिए, और गर्मी काफ़ी तेज़ है तो ज़्यादा घूमना भी नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश यही है, है ना, क्योंकि हमें निकलना है। तो नज़ारे से बने रहिएगा, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आने के बाद, है ना। बाकी ठीक है, ये हम लोग निकल चुके हैं, और ये प्रवेश द्वार है भेड़ाघाट का। बाकी ये वीडियो आज का यहीं तक रहेगा। लाइक करना, शेयर करना, और ब्लॉग पे कमेंट जरूर करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।